आपको बताएं, मुमताज शायर जॉन एलिया का आज 87वां यौम पैदाइश है। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा के एक इल्मी और अदबी खानदान में पैदा हुए थे। उनके भाई रईस अमरोही नुमाया शायर थे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। जॉन अनथक मुसन्निफ, लेकिन अपनी तहरीरी काम को शाया कराने में राजी नहीं रहे। यही वजह है उनका पहला शेरी मजमुआ उनकी 60 साल की जिंदगी में शाया हुआ। सरिया फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुर्बत में। मुनफरिद अंदाज़े शायरी ने उन्हें अपने हम असरों में हमेशा नुमाया रखा। उनके मद्दा शाहिद रसाम का कहना है कि जॉन जैसा शायर कहीं नहीं। जॉन एलिया, इसमें कोई शुबा नहीं कि एक बहुत मुनफरिद, मुख्तलिफ और यकता किस्म के शायर। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शायर नहीं देखा। वो इंसान को मुतासर करेगी और करती रहेगी आने वाले ज़मानों में। जॉन एलिया का इकदार शिकन निराजी और बागी कहा जाता है। उनका हुलिया तर्ज जिंदगी हद से बड़ी मैं नौशी और जिंदगी से लाओबाली रवैया किसी से ढका छुपा नहीं था। दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खिले। अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम तपाक से न मिले। वाह 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 वाह। उनकी 6 किताबें शायद यानी गुमान, लेकिन गोया और फरनूद शाया हुई, जिनमें से 5 उनकी वफात के बाद मार्केट में आईं। आज उन्हें रिस्क के खाक बने 10 बरस गुजर गए, लेकिन उर्दू दुनिया उनकी याद को अब भी सीने से लगाए हुए है।